अच्छा ऐसे कभी आपको इक्वेशन निकाली हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस बार सर्कल की इक्वेशन है ऑफ सर्कल एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जनरली हम रेडियस की जगह पर ए ले रहे हैं ए स्क्वायर एट दॉइंट एट दॉइंट एक्स वन प्लस ए कॉस थीटा एंड वाई वन प्लस बी साइन थीटा सॉरी ए साइन थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म हमने लिखी थी ना वो तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एक्स वन प्लस ए कॉस थीटा और वाई वन प्लस तो कुछ मत करना ये जो एक्स माइनस एक्स वन ना सर्कल की इक्वेशन उसको लिख देना थीटा थीटा इक्वल बस आपका ये आंसर होगा और इसकी भी ट्रिकी बन रही है एक्स माइनस एक्स वन को हम लिखेंगे X minus X1 into X minus, uh, X, X1. जैसे जगह पर X, X1 लिखते हैं ना तो एक्स वन एक्स वन कट जाएंगे सॉरी एक्स वन ये आ जाएगा ऐसे यहां पर पुट करोगे सॉल्व कर देना आंसर आते नहीं तो याद कर लो सीधा सा रूल ठीक है अभी थोड़ा गला खराब है आज नोट कर लो जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट अभी तक हमने जितनी भी टेंजेंट्स की बात करी थी वो पॉइंट फॉर्म में करी थी मतलब सर्कल के ऊपर पॉइंट दिया होता था हम तब टेंजेंट की बात करते थे अब सर्कल के ऊपर पॉइंट नहीं है तो टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट जो हम पहले निकाल चुके हैं वैसे मींस आपके पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिस वन और कोई इसका सेंटर है जीरो कोमा जीरो और रेडियस है ए कोई लाइन गई जो इसे टच करते हुए जा रही है जिसका स्लोप गिवन है स्लोप एम है हमें ये दिया हुआ है और लाइन का स्लोप दिया हुआ है तो अब हमसे पूछा इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी तो बड़ा सीधा सरूल हमने किया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर अगर आपको याद हो तो ये हमने फंडा बेसिक में निकाला था जिसमें हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी करी थी सी स्क्वायर इज इकल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर उससे c की वैल्यू निकाली थी इसका अंडर रूट लेकर के तो a अंडर रूट वन प्लस एम प्लस माइनस साइन ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी अब अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमारे पास में आ गई है ये परमानेंट रूल है लेकिन याद रखना प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस माइनस ये बताता है कि जो लाइन होगी वो टू टेंजेंट है एक यहां पर जा रही है एक यहां पर जा रही है एंड दीज बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल क्यों क्योंकि इन दोनों का स्लोप सेम है जब भी दोनों लाइनों का स्लोप सेम होगा तो टेंजेंट्स आर पैरेलल और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होगा ये मैं आपको अभी लिख देता हूं और बाद में हम उसे फाइंड करेंगे सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर ये टच करती है लाइन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट ये एक्स वन पॉइंट है और वाई वन है माइनस प्लस ए अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट यह एक जे पर प्लस माइनस एक जे पर माइनस प्लस लिखने के पीछे रीजन क्या है रीजन ये है कि जब आप इसका प्लस साइन लोगे तो इसका माइनस साइन आएगा और जब इसका माइनस साइन लोगे तो यहां पर प्लस साइन आएगा मतलब याद रखने वाला फंडा यह कि इधर जब प्लस साइन ले रहे हैं ए एम से पहले तो ए से पहले माइनस साइन लेंगे अब अगर अपना एम ई नेगेटिव है तो वैल्यू उल्टी हो जाएगी ठीक है तो कंफ्यूज मत होना एक बार लिख लो फिर इसे प्रूफ करेंगे कैसे आया अब हम इस चीज को समझते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे कैसे ठीक है आप कैसे ये रहा सर्कल जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और यहां से एक टेंजेंट चली गई जिस जिसका स्लोप एम है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर यह सर्कल की इक्वेशन है ये टेंजेंट की इक्वेशन है अभी इसको किस पॉइंट पर टच करेगी हमें वो फाइंड करना है अगर आपको बेसिक रूल समझ में आ गया ना तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे आप करो क्या लेट पी एक्स वन वाई वन है लेट पी इज ए पॉइंट एक्स वन वाई वन तो जब पी पॉइंट एक्स वन वाई वन है देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी पी पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी इट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी इज टी इक्वल टू जीरो जब भी पॉइंट दिया हो और उस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो टी इक्वल टू जीरो टी का मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर की जगह पर लोगे एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये आई है हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन और जो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन है वो है एम एक्स माइनस वाई प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन थी जो पहले से गिवन थी क्योंकि ये स्लोप हमें दिया हुआ था और ये टेंजेंट की इक्वेशन जो हमने निकाली है उस पॉइंट पर जो हमें पॉइंट निकालने एक्स वन वाई वन तो दोनों सेम टेंजेंट है टू एंड थ्री आर सेम टेंजेंट जब दोनों के दोनों सेम टेंजेंट है तो आप कंपेयर कर सकते हो देखो इधर एक्स का मल्टीपल एक्स वन है इधर एक्स का मल्टीपल वाई है देन एक्स वन अपॉन एम इधर वाई का मल्टीपल वाई वन है इधर माइनस वन है वाई वन अपॉन माइनस वन इजिकल टू इधर कांस्टेंट है माइनस ए स्क्वायर और इधर कांस्टेंट है प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट में वन प्लस एम स्क्वायर अब देखो कर कैसे रहे हैं तो एक्स वन अपॉन एम इधर वन ए से वन ए कैंसिल हो गया तो एक्स वन जैसे आपने इस एम को इधर मल्टीप्लाई किया एक्स वन की वैल्यू आई एम ए अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर और जैसे आपने वाई वन के अपॉन वाले को इधर मल्टीप्लाई किया माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया तो वाई वन आया ए अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर अब थोड़ा समझना जैसे आप पहले प्लस साइन को यहां पर लेते हो मीन्स माइनस को प्लस से डिवाइड करते हो एक्स वन की वैल्यू क्या माइनस अपॉन प्लस माइनस एम ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम वाई वन क्या आएगा प्लस क्योंकि फर्स्ट साइन तो प्लस ही लिया प्लस ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर और जैसे ही आप यहां पर माइनस साइन लेते हो तो माइनस और माइनस कैंसल सो इट विल बिकम पॉजिटिव एंड जब जब आप माइनस साइन लेते हो तो इट विल बिकम नेगेटिव सो दिस वन इज अवर आंसर ओके नोट डाउन क्वेश्चन देखो क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव टू क्वेश्चन ले रहा हूं विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो जो इसके परपेंडिकुलर है और सेकंड क्वेश्चन और है सेकेंड क्वेश्चन हम और ले लेते हैं और यह है विच मेक सिक्सटी डिग्री एंगल विद नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस जो एक्स एक्सेस की नेगेटिव डायरेक्शन से सिक्सटी डिग्री का एंगल बना रहा है आपको एक तो इसके लिए टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर हो और सेकेंड जो एक्स एक्सेस के साथ में नेगेटिव डायरेक्शन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है उस टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी है करो ट्राई ठीक है नाउ मैच योर आंसर देखो सॉल्यूशन आपके पास में ये लाइन गिवन है वो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन इज माइनस थ्री बाई फोर

प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट में वन प्लस एम इक्वल टू एम एक्स फोर बाई थ्री एक्स प्लस माइनस ए रेडियस इज फाइव इंटू अंडर रूट में वन प्लस फोर स्क्वायर अपॉन थ्री स्क्वायर और एल्सर में थे इट विल बिकम थ्री स्क्वायर नाइन एंड फोर सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी अपॉन थ्री सो इट विल बिकम वाई इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री आप थ्री को एल्सियम ले लो सो इट विल बिकम थ्री वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव ये उस टेंजेंट की इक्वेशन है जो इसके परपेंडिकुलर होगी और इस सर्कल को टच करेगी नाउ क्वेश्चन नंबर टू आपको स्लोप निकालनी है सिर्फ अब देखो लाइन एक्स एक्सेस की नेगेटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा वो वन ट्वेंटी डिग्री का होगा तो स्लोप ऑफ ट्रेंजेंट आप ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू टेन वन डिग्री माइनस सिक्सटी डिग्री टेन वन एटी माइनस थीटा सेकेंड क्वार में होता है और सेकंड क्वार्टर में टेन सिक्सटी डिग्री नेगेटिव होएगा क्योंकि माइनस माइनस थीटा थीटा डिग्री इज रूट थ्री सो इट विल बिकम माइनस रूट थ्री तो स्लोप आ गई हमारे पास सो इक्वेशन ऑफ लाइन वाई इज इक्ल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर गई वाई इज इकल टू माइनस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस माइनस फाइव इंटू वन प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री सो इट विल बिकम वाई इज टू माइनस का अंडर रूट थ्री एक्स थ्री प्लस वन फोर फोर का अंडर रूट टू टू इंटू फाइव इज टेन सो द सेकेंड क्वेश्चन आंसर इज दिस वन और यहां पर टू इक्वेशन प्लस माइनस क्या बता रहे हैं कि एक लाइन ऊपर की तरफ है एक लाइन नीचे की तरफ है सर्कल को टू साइड से टच कर रही है और इन दोनों के बीच में ये जो टू इक्वेशन आएगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा टेन होगा यहां पर क्यों क्योंकि इसके जब रेडियस फाइव है तो फाइव तो इन टू लाइन के बीच का डिफरेंस हमेशा टेन होता है ठीक है चलो वन मोर क्वेश्चन क्वेश्चन है चेक थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू वन टचेस दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो आपको ये चेक करना है ये इस लाइन इसको टच करेगी या नहीं करेगी एंड इफ यस अगर टच करती है देन फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बताने कि ये लाइन इसको कहां पर टच करेगी ओके फाइंड इट देखो इसको फाइंड करने के कई तरीके हैं एक तो तरीका यह है कि आप क्या करो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है अगर लाइन टच करेगी फर्स्ट मेथड। आपके पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है वन माइनस टू और रेडियस क्या है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट तो रेडियस इज टू अगर सेंटर से इस पर लाइन पर डाला हुआ परपेंडिकुलर टू लेंथ का आ जाए तो इट इटमे से लाइन इसको टच कर रही है एक तरीका तो ये है फर्स्ट मेथड एक मेथड ये भी है कि आप इस वाली इक्वेशन को यहां से वाई या एक्स की वैल्यू निकाल के इस पर पुट कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए मतलब यहां पर एक्स की टू वैल्यू नहीं है डिस्क्रिमिनेंट जीरो आने का मतलब लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है क्योंकि एक्स की वन सिंगल वैल्यू आएगी तो उस केस के अंदर भी लाइन टच कर रही है शो हो जाएगा पर बेस्ट तरीका यह है कि आप इससे इस, इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालो आप परपेंडिकुलर डालो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू थ्री इंटू वन माइनस फोर इंटू माइनस टू माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का अंडर रुट का मॉड्यूलस थ्री वन जै थ्री फोर टू जै एट एट प्लस थ्री ये पॉजिटिव हो गया एट प्लस थ्री इलेवन माइनस वन टेन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का अंडर रुट फाइव इट इज इक्वल टू टू मीन्स इट इज इक्वल टू रेडियस तो जब परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस के इक्वल आ रही है इसका मतलब ये लाइन इसे टच कर रही है देआर फोर लाइन इज अ टेंजेंट तो लाइन इसकी टेंजेंट हो जाएगी तो ये चीज तो प्रूव हो गई कि ये इसको टच कर रही है अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने की बात आती है तो वो जो मैंने पीछे फंडा बताया था ना कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो वो जीरो आएगा उससे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा जब आप उसे सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को जो एक्स की वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा और वैसे ही जो वाई की वैल्यू आएगी वो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा तो एक्स वन वाई वन मिल गए एक तरीका तो यह है मैं इसके तीनों तरीके लिख दूंगा एक मेथड तो यह है कि आपको करना क्या इक्वेशन वन यूज इन इक्वेशन नंबर टू और क्या कर लो जब आप मेथड मल्टीपल मेथड सीखोगे ना तभी रियल में नॉलेज आएगी इक्वेशन वन को इक्वेशन टू में यूज कर लो एंड सॉल्व तो एक्स की एंड वाई की सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी यू विल गेट सिंगल वैल्यू इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक तरीका तो ये है सेकंड मेथड ये कहता है कि आप ओरिजिन से देखो जो भी लाइन होगी टेंजेंट हमेशा टेंजेंट इसके टेंजेंट के रेडियस परपेंडिकुलर होती है तो आप आपको इस लाइन का स्लोप गिवन है आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो इसको देता हूं सी और इसको देता हूं पी वी कैन फाइंड फाइंड CP इक्वेशन ऑफ सीपी कैसे इसका स्लोप है थ्री बाई फोर तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस फोर बाई थ्री अब क्या करो इस लाइन की इक्वेशन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स वन सॉल्व कर लो इससे आपके पास में इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो क्या आएगी डायरेक्ट लिख देता हूं थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर सबको एक तरफ लेके सेम साइड देन फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो इस लाइन की इक्वेशन आ गई जिसे हम नॉर्मल कहते हैं वो आगे पढ़ेंगे और इसकी इक्वेशन आई हुई है अब इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो सॉल्व इसको नंबर थ्री दे रहा हूं सॉल्व वन एंड थ्री तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा जो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूं क्या आने वाला है इट विल बी माइनस वन बाई फाइव एंड माइनस टू बाई फाइव यह होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक तरीका यह भी है वी हैव वन मोर थर्ड मैथड क्या है आप कैसे पॉइंट दिया हुआ है सेंटर सेंटर से जो इस पर परपेंडिकुलर डलेगा मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे तो क्या करो इससे इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालो उसके कॉर्डिनेट क्या होते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन थ्री बन जी थ्री माइनस बी वाई वन सॉरी माइनस फोर इंटू माइनस टू प्लस फोर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थ्री प्लस फोर सेवन माइनस वन सिक्स अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो और करी है पक्का करी है वाई के कीजिए माइनस टू रखते इट विल बिकम एट एट एंड थ्री इलेवन माइनस वन टेन टेन अपॉन ट्वेंटी फाइव सो ये बना एक्स माइनस वन बाई थ्री y प्लस टू बाई माइनस फोर और 8 एंड 3 इलेवन माइनस वन टेन अपॉन ट्वेंटी फाइव टेन अपॉइन्ट ट्वेंटी फाइव फाइव से कैंसिल करते ही 2 अपॉन फाइव विद माइनस साइन नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू निकाल दो 3 टू जिक्स माइनस सिक्स बाई फाइव प्लस वन माइनस वन बाई फाइव और y की वैल्यू 4 टू जो एट एट बाई फाइव माइनस टू तो माइनस टू बाई फाइव ये लो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर से आ गए एक इधर से आ गए यहां से भी आ सकते हैं पर वो टाइम वेस्टिंग है बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि पुट करना फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना फिर सॉल्व करना तो वो थोड़ा टिपिकल मेथड है पर अपने पास में मल्टीपल मेथड्स हैं और भी कई तरीके हैं ट्राई करने वाला चाहिए बस ठीक है बट ये सिंपल सा मेथड है यू कैन यूज इट यस न्यू एडिंग नॉर्मल टू अ सर्कल नॉर्मल टू ए सर्कल मीन्स किसी सर्कल की नॉर्मल अब नॉर्मल होती है पहले समझा देता हूं लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड पॉइंट ऑन सर्कल इज एक्स वन वाई वन मींस हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और इसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन है हमसे पूछा है यहां पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी तो सबसे पहले नॉर्मल समझना जरूरी है नॉर्मल होती है आपके पास कोई भी शेप है उसके ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो उसके किसी पॉइंट पर तो वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर इट इज नॉन एज टेंजेंट एंड दिस वन इज नॉन एज नॉर्मल तो वो लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के नॉर्मल हो वो नॉर्मल कहलाती है ठीक है ये बड़ा बेसिक सा रूल है अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालने तो अगेन वी मल्टीपल मेथड। एक तो तरीका ये कहता है कि आप क्या करो x1 y1 पॉइंट दिए हुए यहां पर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो अब टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई तो हमें पता है टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा तो उसके नॉर्मल का भी स्लोप मिल जाएगा अब पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है वाई माइनस वाई वन इजिकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्सन उससे आपका आंसर आ जाएगा एक तरीका तो यह है पर ये बड़ा मेथड है सेकंड मेथड यह है कि आपके पास ये लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है ये सेंटर से पास होगी वन वन पॉइंट हियर एंड सेकंड पॉइंट हियर आपको टू पॉइंट दिए हुए हैं और अब पूछता है आपसे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल तो टू पॉइंट फॉर्म से डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वी कैन फाइंड इट इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन सीक्वेंस कोई भी रख सकते हो आप इन टू एक्स माइनस एक्स वन ये लो आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सीधा अब बहुत सी जगह पर अलग तरीके से लिखी हुई होती है ये ऐसे लिखी होती है y माइनस वाई वन अपॉन एफ प्लस वाई वन इजिकल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन जी प्लस एक्स वन ये भी इसको लिखने का तरीका है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे लिखो ऐसे लिखो पर मैं तो कहता तो हूं कुछ मत रटो पॉइंट देगा इसको और इसे ज्वाइंट करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा खत्म सबसे इजी तरीका है और ये वाली फॉर्म कौन सी अभी जो लिया नॉर्मल पॉइंट फॉर्म ये वाली जो फॉर्म है वो पॉइंट फॉर्म है पॉइंट फॉर्म मतलब आपको सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है जहां पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है ओके नोट डाउन यस अब अगर आपके पास में सर्कल की इक्वेशन ये होती एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अब हमसे कहता कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करो एट एक्स वन वाई वन तो देखो कितना इजी प्रोसेस हो जाता सर्कल बनता एक्स वन वाई वन पॉइंट आता इधर एंड सेंटर इज जीरो मा जीरो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो सीधा सा रूल वाई माइनस वाई वन में वाई वन मेंन माइनस जीरो माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो लो वाई इजिकल टू वाई वन बाई एक्स वन इंटू एक्स और मैं लिख सकता हूं वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वन तो इस केस में नॉर्मल की इक्वेशन आ गई जब सर्कल की इक्वेशन क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब आपको तो एक ही काम करना है सेंटर और इस लाइन को इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जस्ट अ सिंपल वन ओके नोट डाउन टेंजेंट से भी ज्यादा इजी है अब एक दो क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस सर्कल फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स ये तो सर्कल की इक्वेशन है विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन टू वाई सॉरी टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो मतलब उस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है इस सर्कल के लिए जो इसके परपेंडिकुलर हो तो देखो सीधी सी बात आपके पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो तो सेंटर हो गया वन कोमा जीरो एक्स का मल्टीपल का हाफ विद माइनस साइन एंड रेडियस और अब देखो सेंटर हो गया वन कोमा जीरो अब वो नॉर्मल जो है वो इसके परपेंडिकुलर है मतलब पक्की बात है ये लाइन टेंजेंट के पैरल होगी तो नॉर्मल कुछ ऐसे जाएगी तो आपको तो सीधी सी बात है इस लाइन की इक्वेशन से इसका स्लोप निकाल दो वो आया टू स्लोप तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा वन बाई टू विद माइनस साइन तो लो आगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई माइनस वाई वन इजिकल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन नाउ सॉल्व इट टू वाईक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन सेम साइड ले जाएंगे तो x प्लस टू वाईक्वल टू वन और ऐसे भी जरूरी नहीं है और भी कई तरीके आपको मैंने सीधा ट्रिक भी बताई थी टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट से पास आ रही हो b इंटू एक्स माइनस एक्स वन माइनस ए इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो आप उससे भी कर सकते हो जो हमने पहले पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन में किया था ओके नोट डाउन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट फाइव कोमा सिक्स पॉइंट दिया हुआ है फाइव कोमा सिक्स सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर्टी एट इक्वल टू जीरो ठीक है ये हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन है इसकी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है बहुत सीधा क्वेश्चन सबसे पहले फाइव सिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा तो फाइव और सिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को इसका मतलब फाइव सिक्स इसके ऊपर एक पॉइंट है तो अब आपके पास में सेंटर क्या है इसका सर्कल का फाइव बाई टू एंड माइनस वन तो आपको इन टू पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज नॉन एज नॉर्मल सो इक्वेशन इज वाई माइनस सॉरी y माइनस वाई वन इजिकल इजिकल टू वाई टू माइनस वाई वन या माइनस वन माइनस सिक्स अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन फाइव बाई टू माइनस फाइव इन टू एक्स माइनस एक्स वन बस हो गया वाई माइनस सिक्स इजिकल टू माइनस सेवन टू फाइव जेन माइनस फाइव बाई टू इन टू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस कैंसिल फाइव वाई माइनस थर्टी फोर्टीन एक्स फोर्टीन फाइव 70, सिक्सटी एक तरफ ले जाओ फोर्टीन एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फोर्टी इक्वल टू ज़ीरो फोर्टीन एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फोर्टी इक्वल टू जीरो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है नोट डाउन यस अब न्यू हेडिंग डाल दो आप है ये भी टेंजेंट ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है वहां से टेंजेंट डाल रहे हैं उसकी इक्वेशन क्या होगी मीन्स ये रहा सर्कल और पॉइंट कहीं यहां पर है यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल से समझाते हैं इसे ठीक है चलो क्वेश्चन ले, ले, ले लेते हैं फाइंड दी इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वो इससे इजीली समझ आएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर्कल सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन फ्रॉम वन कोमा फोर अब देखो पहली चीज तो ये वन कोमा फोर इस पर पुट करके देखना वन स्क्वायर वन फोर स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन और वन सेवनटीन माइनस सिक्सटीन सेवनटीन माइनस सिक्सटीन इज ग्रेटर देन जीरो जैसे ग्रेटर देन जीरो आया तो श्योर हो गया जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है ये रहा पॉइंट वन को फोर और ये है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो हमें क्या करना है वन फोर से इस पर टेंजेंट डालनी है और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है बड़ा बेसिक सा रूल तो करो क्या आप सॉल्यूशन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर आपके पास में कोई भी टेंजेंट हो जो इसको टच करते हुए जा रही है अगर इसका स्लोप एम है तो वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमेशा होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर और ये प्लस माइनस दोनों साइन लेती है तो ये हमारे पास में बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन है मैं तो एक बार सिर्फ प्लस ही देख रहा हूं ठीक है माइनस को भी नहीं ले रहा तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ए की वैल्यू कितनी है ए ए रेडियस फोर इंटू अंडर रूट में वन प्लस एम एस स्क्वायर ठीक है अब देखो ये जो टेंजेंट है ये वन कोमा फोर से पास हो रही है इट पास वन कोमा फोर तो पुट कर दो वाई के जगह पर फोर इज इक्वल टू एम इंटू वन प्लस फोर इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर फोर अब एम की वैल्यू निकाल दो बस एम की वैल्यू निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा भाई इसी में तो पुट कर दिए एम की वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा तो इधर ले जाते ही फोर माइनस एम इज इक्वल टू फोर इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर नो अंडरवुड को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड अब जैसे ही स्क्वायरिंग करते हो इट विल बिकम फोर माइनस एम का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस एट एम प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन इंटू वन प्लस एम स्क्वायर सो आई कैन राइट सिक्सटीन प्लस एम स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन कैंसल सबको सेम साइड ले जाओ तो इट विल बिकम सिक्सटीन एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर स्क्वायर प्लस एट एम इक्वल टू जीरो वी कैन टेक एम कॉमन तो इट विल बिकम फिफ्टीन एम प्लस एट इक्वल टू जीरो तो M या जीरो होगा या एम की वैल्यू माइनस एट अपॉन फिफ्टीन आएगी तो जब एम को मैं जीरो पुट करता हूं तो मेरे पास में टेंजेंट की इक्वेशन आती है y इक्वल टू आप माइनस ले लेते तब भी यही आंसर आता आप प्लस माइनस लेते आप इसको इधर ले जाते और फिर स्क्वायरिंग करते तो प्लस माइनस का तो स्क्वायर वैसे ही हट जाता m को जीरो रखते हैं आपके पास भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई y इज इक्वल टू फोर मीन्स एक लाइन आ गई y इक्वल टू फोर और जब m को आपने माइनस एट अपॉन फिफ्टीन रखा आप इधर माइनस एट अपॉन फिफ्टीन रख दो और सॉल्व कर दो तो इक्वेशन आ जाएगी एट एक्स प्लस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू एट तो वी गेट टू टेंजेंट टू टेंजेंट्स क्यों आई एक टेंजेंट तो यहां से टच करेगी, एक इस भी तो टच करेगी तो वी गेट टू टेंजेंट्स तो बेसिकली आपको करना क्या है परमानेंट रूल है वाई आपके पास में पॉइंट आउटसाइड है तो आप टेंजेंट की इक्वेशन मान लो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर और उसको इस वन कोमा फोर से पास करवा दो और उससे एम की वैल्यू निकाल दो यू विल गेट दी आंसर एम की वैल्यू वापस पुट कर देना ओके आई थिंक सिंपल क्वेश्चन था नो डाउट द एंगल बिटवीन नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स From a point P to the circle P to the circle X square plus Y square plus four X minus six Y plus 9 sine square alpha plus 13 cos square alpha is equal to 0 is 2 alpha is 2 alpha then find the locus of point P, उस पॉइंट पी का लोकस निकालना है आपको ठीक है लेट्स ट्राई नाउ देखो आपके पास में दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या है फोर का मल्टीपोर को डिवाइड बाय टू माइनस टू एंड माइनस सिक्स को डिवाइडेड बाय टू माइनस थ्री पर थ्री हो जाएगा और रेडियस विल बी टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर माइनस सी नाइन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थर्टीन कॉस स्क्वायर अल्फा नाइन एंड फोर थर्टीन इन टू में थर्टीन को कॉमन लेते ही वन माइनस कॉ स्क्वायर अल्फा माइनस नाइन साइन स्क्वायर अल्फा तो वन माइनस कॉ स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा so it will become थर्टीन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस नाइन साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर 13 में से 9 गए फोर साइन स्क्वायर अल्फा का we can से 2 sin alpha. so radius will be 2 sin alpha. यानी कि हमारे पास रेडियस 2 sin alpha है और सेंटर ये रहे अब अगर मैं इस सर्कल को ऐसे लेता हूँ और उस पॉइंट को जिसका मुझे लोकस निकालना है उसको मैं इधर H कोमा ले लेता हूँ तो उससे जो टू टेंजेंट्स आएंगे और इसका जो सेंटर होगा विच इज माइनस टू कोमा थ्री एंड रेडियस इज टू साइन अल्फा इट इज टू साइन अल्फा एंड हियर टू साइन अल्फा अब हमारे पास में ये कहता है टू टेंजेंट्स के बीच का एंगल टू अल्फा है तो श्योर है यहां भी अल्फा एंगल होगा और यहां पर भी एंगल अल्फा होगा अब देखो आपको कुछ बेसिक से फंडे समझ में आने चाहिए मैं अगर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालता हूं अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकालता हूं एच माइनस या यू समझो यह एंगल अल्फा है तो एल्फ यह एंगल 90 डिग्री होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा होती है हाइपोटेनियस और अल्फा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सो साइन अल्फा क्या आ गया हमारे पास इट इज इक्वल टू टू साइन अल्फा। क्योंकि परपेंडिकुलर टू साइन अल्फा है और हाइपोटेनियस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एच माइनस माइनस टू का स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री का स्क्वायर का अंडर रूट साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई सो इट विल बिकम एच प्लस टू स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री स्क्वायर का अंडर रूट विच इज इक्वल टू टू अंडर रूट के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड सो एच प्लस टू स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर और एच के का लोकस एक्स प्लस टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर यह आया है इसके पॉइंट पी का लोकस जो खुद एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या आ रहा है माइनस टू और थ्री और रेडियस आ रही है टू का स्क्वायर सो दीज आर सिंपल क्वेश्चन कुछ टिपिकल नहीं है ठीक है नोट डाउन न्यू हेडिंग डाल दो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एक्स वन वाई वन टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो मीन्स कोई पॉइंट है सर्कल के बाहर इससे हम जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ कितनी होगी मतलब अगर ये पॉइंट पी ले रहा हूं तो पी से लेकर टी तक की डिस्टेंस कितनी होगी सर्कल की इक्वेशन ये रही और पी के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है आपको ये डिस्टेंस निकालनी है आप इधर वाली ले लो या ये डिस्टेंस ले लो यहां तक सेम वर्क ठीक है आप लोग पहले खुद ट्राई करो चलो देखो देखो सीधी सी बात इसका सेंटर होगा माइनस जी और माइनस एफ और इसकी रेडियस होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट तो ये एंगल 90 डिग्री है दिस एंगल इज 90 डिग्री तो आपको करना क्या है आपको यह वाला डिस्टेंस निकालना है तो आप इस डिस्टेंस को निकाल कैसे सकते हो पहले पी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालो पीसी इज इक्वल टू एक्स वन माइनस माइनस जी का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस माइनस एफ का स्क्वायर का अंडर उठ इट इज पी सी नाउ सी टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अब मुझे पता है राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेरियस होती है तो हाइपोटेरियस तो ये रही एक साइड ये रही तो नेक्स्ट साइड अगर पीटी को फाइंड करना है सो पीटी इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर का अंडर रूट पी सी स्क्वायर इज अंडर रूट हट गया सिर्फ एक्स वन स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन वाई वन प्लस एफ स्क्वायर इज वाई वन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ वाई वन माइनस सी टी स्क्वायेर इट इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी सॉरी प्लस सी तो देखो जी स्क्वायर कैंसल एफ स्क्वायर कैंसल बचा क्या रह गया एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी का अंडर रूट ये इक्वेशन तो सर्कल की थी जिसको हम लिखते हैं हमेशा एस सी इक्वल टू जीरो लेकिन वहां पर एक्स वन वाई वन आ गए एक्स की जय पर एक्स वन वाई की जय पर वाई वन ये वैल्यू आ रही है तो हमारा आंसर क्या होगा अंडर रूट एस वन मीन्स अगर मुझे कभी भी ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस निकालना है दिस डिस्टेंस विल बी अंडर रूट एस वन और ये भी अंडर रूट एस वन क्योंकि बोथ ऑफ डिस्टेंस आर इक्वल तो किसी पॉइंट से जब आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी हो तो आपको क्या करना होगा अंडर रूट एस वन मतलब सर्कल के इक्वेशन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर देने और उसका अंडर रूट ले लेने सिंपलेस्ट वे ठीक है नोट डाउन